दोस्तों नमस्कार, मैं विजय चौधरी आरपीएन न्यूज। और आज हम यहाँ एक ऐसे स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ की इतनी बड़ी मान्यता है। यहाँ लोग श्रद्धालु बहुत बहुत दूर से आते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ इनको मिनी आपका केदारनाथ माना जाता है। और अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये कितना भव्य मंदिर है, कितना पुराना प्राचीन मंदिर है। और इसकी जो है 125 मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटे और बड़े मंदिर लगा के 125 मंदिर है कुल मिला के। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, लगभग 500 मीटर तक की भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। इधर से देखेंगे तो ऐसे जाएंगे लोग जो है, और बहुत ही जो है बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ की। अब हम यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से पूछेंगे इसके बारे में कि उनकी क्या। हाँ जी महाराज जी, कहाँ से आए हैं आप? भाई साहब मेरा नाम संजय कुमार है और मैं डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वहीं से जागेश्वर महाराज के दर्शन करने आया हूँ। इस मंदिर की बहुत महिमा सुनी थी तो आज दर्शन करके जीवन धन्य हुआ भाई साहब मेरा। और मैं ये चाहता हूँ कि इस मंदिर को और भव्य बनाया जाए। कितना पुराना मंदिर है आपको जानकारी? ये मंदिर 400 से 500 साल पुराना है सर, और बहुत ऊंचाई पे मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे आके दिल को सुकून मिलता है सर। आपको कैसा लगा यहाँ के? हमको बहुत बेहतर लगा, पूरी फैमिली के साथ मैं आया हुआ हूँ। रात भर हमने ड्राइव किया है गाड़ी में, जब जाकर के अब दर्शन हमको हो पाया है। हमारे जिले से आकर के यहाँ पे करीब 450 किलोमीटर की दूरी है सर यहाँ। अच्छा, पहले कभी आप आए या पहली बार? फर्स्ट टाइम आया हूँ। पहली बार आए हैं जी सर। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर से आपको पैदल आना पड़ा यहाँ से जो है चल के? सर कम से कम 7 से 8 किलोमीटर। 7 से 8 किलोमीटर से आप पैदल चल के? पैदल चल के रहा हूँ और मुझको कोई भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा, सब शिव जी की महिमा है। उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से हैं आप? मेरठ से आए हैं। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह, आप पहली बार आए हैं यहाँ पे जागेश्वर धाम? भी आप पहली बार आए हैं तो आपको कब किसी ने बताया कि आप जो है यहाँ पे आइए? किसने आपको मार्गदर्शन दिया इसके लिए? हाँ जी, सुना था हमने। अच्छा, सुना के बारे में। मंदिर है बहुत पुराना जी, शंकराचार्य जी ने जो स्थापना की थी जी जी, तब हम आए हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा है, बड़ी आत्मीयता लगी और दर्शन भी बड़े अच्छे से हुए। बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था भी अच्छी, कोई असुविधा आपको नहीं? बहुत अच्छा व्यवस्था है। बहुत अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता नाम। अच्छा, आप भी पहली बार आई हैं? हाँ जी, पहली तो बार। कैसा लगा जागेश्वर धाम आके जो है? बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके क्या आपको जो है जैसे केदारनाथ पे जो अनुभूति होती है, क्या वो अनुभूति आपको ही? जी जी जी, शिव के धाम है। इससे पहले भी हम ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकले थे ना, फरवरी में 7 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हम कर चुके हैं। तो अब के हमारा इरादा उधर था वैद्यनाथ जाने का, तो वहाँ नहीं जा पाए कारण समय। लेकिन बाबा ने यहाँ बुलाया, जागेश्वर बाबा ने। मैया कहाँ से हैं आप? अच्छा, माता जी हैं। आपको जो है यहाँ पे आपके बेटे लेके आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा के दर्शन अच्छे हुए? बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो है कुछ श्रद्धालु लोग थे जो यूपी से मेरठ से आए हुए थे, हमने इनसे बात की और हमें जानकारी दी कि बाबा के दर्शन करने के बाद इनको कैसा लगा। यहाँ आकर आदमी को बहुत ही सुकून और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं महादेव जो है यहाँ पे विराजमान है, और गुरु शंकराचार्य जो हैं उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी पहले जो है, उसके बाद वो केदारनाथ गए थे, ऐसा कुछ बताया जाता है यहाँ के बारे में। और हम कुछ श्रद्धालु लोग हैं और उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गाजियाबाद से। रचित। रचित नाम है आपका, गाजियाबाद से आए हैं? हाँ जी। पहली बार आए हैं यहाँ? क्या पहले भी कभी आ चुके हैं? बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, सो यहीं पे हम लोग आते रहते हैं। अच्छा अच्छा, आते रहते हैं वीकली? आते रहते हैं वीकली तो नहीं आते, बट गाजियाबाद रहते हैं तो उसके थोड़ा सा से साल में एक दो बार आते रहते हैं। साल में एक दो बार आते रहते हैं। तो कैसा लगता है आपको यहाँ आकर? बहुत पीसफुल और एक कामनेस है यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पूरी फैमिली के साथ आते हैं यहाँ? फैमिली के साथ आते हैं। फैमिली के साथ भी आते हैं? बहुत बढ़िया। तो ये कुछ हमें जानकारी दी, ये भी श्रद्धालु। आप कहाँ से हैं बाबूजी? अच्छा, फादर हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? आरवी सिंह। आरवी सिंह, आप पहली बार आए हैं क्या? पहले भी आ चुके हैं? आते रहते हैं, यहाँ पहली बार आए। अच्छा, यहाँ पहली बार आए हैं। आपके बेटे लेके आए आपको यहाँ पर, कैसा लगा आपको यहाँ के? पीसफुल जगह है, शांति है। आदमी को ऐसी जगह आएगा तो पूरी शांति मिलेगी। और पीसफुल जगह है, देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है ये चारों तरफ से जो है, और यही आपको यही एक ऐसा जंगल है जहाँ देवदार के इतने वृक्ष मिलेंगे आपको, और कहीं भी इतने देवदार के वृक्ष आपको नहीं मिलेंगे देखने के लिए। मैं
अपनी जो है आज के इसको जो है यही विराम देता हूँ। मंदिर में तो चले, एक मंदिर रहेगा बड़ो, बड़ो मंदिर रहेगा मुख्य जी, मुख्य मंदिर मुख्य है। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।